वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना। खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना। अदानों को अदीनी का कभी पाबंद मत करना। अदानों को अदीनी का कभी पाबंद मत करना। मदारिस बंद मत करना, खुदा से जंग मत करना। मदारिस बंद मत करना, खुदा से जंग मत करना। वो पहला मदरसा सूफा जिसे आबा बनाते हैं, सहाबा उसमें पढ़ते हैं, मेरे आबा पढ़ाते हैं। वो पहला मदरसा सूफा जिसे आबा बनाते हैं, सहाबा उसमें पढ़ते हैं, मेरे आबा पढ़ाते हैं। खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना। खुदा से जंग मत करना। एक बार सौ ताना लगाएं, हमारे मेहमान मुकर्रम हजरत माना मोहम्मद अनीस साहिब तशरीफ ला चुके हैं। जोरदार ना लगाएं, नारे तकबीर। भाई जितना दम है ना और जितनी बिरयानी खाओगे उसका बदला उतारना है आज तुम्हें यहाँ, यानी बोटी के साथ है माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर हजरत मौलाना मुफ्ती अनीस अहमद साहिब, हजरत मौलाना मुफ्ती अनीस अहमद साहिब। उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद, नारे तकबीर। हजरत मौलाना इमरान साहिब। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। जी बेटा ता करे कि पैदा हो अजान भी सुनाए मौलवी, ना तुझे बच्चे का बताए मौलवी, कलिमा कुरान भी सिखाए मौलवी, शादी और निकाह भी पढ़ाए, मदारिस बंद मत करना। खुदा से जंग मत करना। अजानों को अदीनी का कभी पाबंद मत करना। यहाँ अल्लाह के कुरान की तालीम होती है, मोहब्बत की अमन की रोशनी तकसीम होती है। यहाँ अल्लाह के कुरान की तालीम होती है, मोहब्बत की अमन की रोशनी तकसीम होती है। के कौम को ये बात भी बतानी चाहिए, जगह जगह जाके समझानी चाहिए। के कौम को ये बात भी बतानी चाहिए, जगह जगह जाके समझानी चाहिए। कितनी जरूरी है कुरानी तालीम, कौम की भी समझ में आनी चाहिए। देखने में भले हो वो कोई शर्म, देखने में भले हो वो कोई डॉक्टर, देखने में भले हो वो कोई मास्टर, सूरह इखलास भी तो आनी चाहिए। करना मदारिस बंद मत करना। खुदा से जंग मत करना। खुदा खुद अपने कुरान का हर एक लम्हा मुहाफिज है, वो उसका भी मुहाफिज है जो इस कुरान का हाफिज है। खुदा खुद अपने कुरान का हर एक लम्हा मुहाफिज है, वो उसका भी करना। खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना। अदानों को अदीनी का कभी पाबंद मत करना। अदानों को अदीनी का कभी पाबंद मत करना। जी वाह भाई वाह। एक बात कह दूं? हाँ।
आजकल जो है ना लोग क्या कहते हैं, अरे इमाम साहब कहाँ जाते हो, रोज रोज भाग जाते हो। मेरे भाई कदर करो उलमा की, कदर करो मदरसे वालों की। क्या समझते हो, क्या समझते हो मौलवियों को, क्या समझते हो कबीर के ऊपर दहशतगर्दी का इल्जाम? नहीं नहीं, मैं बताता हूँ क्या है ये दीनी मदरसे हैं। क्या है भाई, हमारे मुहतमिम साहिब बैठे, इजाजत चाहूंगा। ये दीनी मदरसे हैं, देख मत मशकूक नजरों से। क्या कहते हैं लोग, यहाँ तो दहशतगर्दी से कहा जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं, अरे यहाँ तो नबी के दीवाने बनाए जाते हैं, यहाँ तो आशिक के मुस्तफा बनाए जाते हैं। ये दीनी मदरसे हैं, देख मत मशकूक नजरों से, बुराई से यहाँ तो बच्चा बच्चा दूर रहता है। यहाँ दामन पे कोई दाग तुझको मिल नहीं सकता, यहाँ दामन पे कोई दाग तुझको मिल नहीं सकता, यहाँ तो सबके माथे पर खुदा का नूर रहता है। आइए सामईन, मेरी फेरिस्त के अंदर मदरसा हाजा की चुनी हुई चार बच्चियां हैं जो आपको बताएंगी। ए अकल के खोरो, ए मदारिसों को हकारत की नजरों से देखने वालों, क्या नहीं हमारे पास इंग्लिश, हमारे पास इंजीनियरिंग, हमारे पास कुरान, हमारे पास हदीस, हमारे पास, और तुम क्या समझते हो ये कुछ है नहीं? खुदा की कसम, एक आलिम का मुकाबला जमीन और आसमान में रहने वाला कोई नहीं कर सकता। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, क्यों? उसके सीने के अंदर अल्लाह का कुरान है, और कुरान से बड़ी कोई चीज है नहीं दुनिया में। तो आइए, चार बच्चियां हैं आप ही की।